हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में वर्ल्ड में ओबेसिटी के मामले में कुछ सर्वेस और स्टडीज के अनुसार हमारा इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में स्टैंड कर रहा है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए मैं आज से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की ऐसी सीरीज लेकर आ रही हूं, जो कि ओबेसिटी यानी मोटापे से संबंधित हर बात और हर समस्या तथा उसका समाधान आपको देंगी। जैसे कि मोटापा क्या है, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या समाधान हो सकते हैं। इसके अलावा आपको डाइट चार्ट और डाइट प्लान के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और इसके अलावा मेरी आगे की आने वाली वीडियोस की सीरीज में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे मोटापा कनेक्टेड है कोलेस्ट्रॉल से, डायबिटीज़ से, कैंसर से, बीपी से, हार्ट डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन और अस्थमा जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से। इसके अलावा आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मेरी इन वीडियोस को देखकर इसमें दी हुई जानकारियों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं तथा सभी सॉल्यूशंस को भी फॉलो करते हैं, तो 15 से 20 दिनों में ही आपको अपनी बॉडी के वेट और शेप में अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज़ की पहली वीडियो से स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मोटापा क्या है और इसके होने के मूल कारण तथा इसके लक्षण क्या होते हैं, जिनसे समय रहते ही आप ये जान सकें कि ओबेसिटी यानी मोटापे जैसी गंभीर समस्या आपको धीमे धीमे अपनी चपेट में ले रही है। मोटापा यानी ओबेसिटी, हमारे शरीर में एक्सेस फैट का संग्रहण यानी जमाव होता है, जो कि हमारे शरीर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये तो आसान भाषा में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहे जाने वाले आम शब्द हैं, लेकिन क्या आप एग्जैक्टली या साइंटिफिकली जानते हैं कि मोटापा क्या होता है और क्यों होता है और इसका सही समाधान क्या है? तो पहले इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी समस्या का सही समाधान तभी हो सकता है जब उसका सही कारण पता हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से वज़न बढ़ना एक चक्रीय प्रक्रिया है। आयुर्वेद में अधिक वजन को अति स्थौली कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष यानी वात पित्त कफ में असंतुलन से शरीर की अग्नि यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके साथ हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और हृदय प्रणाली तंत्र यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम, प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम तथा उत्सर्जन तंत्र यानी किडनी, रेनल और यूरिनरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम भी बिगड़ जाता है। आगे की वीडियो की सीरीज में मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बॉडी सिस्टम में हुई प्रॉब्लम्स एक चक्र यानी साइकिल के रूप में काम करने लगती हैं। इसकी वजह से धीमे धीमे शरीर में विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन्स बढ़ने तथा जमा होने लगते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी फैट में कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं कि ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और इससे अपने आप ही हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है। और क्या आप ये जानते हैं कि ये सारा असंतुलन हमारी जीवन शैली और आहार से संबंधित गलत आदतों से होता है? जब हम भोजन में ज़रूरत से ज़्यादा फैट या कैलोरीज लेने लगते हैं, तब वो एक्सेस क्वांटिटी हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैट या चर्बी के रूप में जमा होने लगती है, जो कि मोटापे का सबसे मेन रीज़न बन जाता है। आहार संबंधी गलत आदतों के अलावा योग तथा एक्सरसाइज ना करना, तनाव यानी डिप्रेशन में रहना, जेनेटिकली यानी अनुवांशिक समस्याएं, मेडिकल रीज़न यानी कोई ऐसा ट्रीटमेंट आप ले रहे हो जिससे वज़न बढ़ रहा हो, और इंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी हार्मोन संबंधी विकार तथा दिन के समय सोना, ये सभी ओबेसिटी यानी मोटापे के मेन रीजंस हो सकते हैं। नॉर्मली
ह्यूमन बॉडी में 6 तरह का मोटापा यानी ओबेसिटी होती है, जिसमें कि बॉडी में 6 अलग हिस्सों में फैट जमा होने लगता है। आपको समाधान से पहले यह तय करना चाहिए कि आपके मोटापे का मेन रीजन क्या हो सकता है और किन हिस्सों में किस तरह का मोटापा है। आगे की वीडियो की सीरीज में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बॉडी के इन 6 तरह के फैट को कैसे कम किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप ये भी जानते हैं कि ओबेसिटी के भी कुछ ऐसे शुरुआती सिम्टम्स होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि हमारी बॉडी में एक्सेस फैट जमा होना शुरू हो गया है। जी हाँ, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। चलिए मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। पहला, हल्की फिजिकल एक्टिविटी से ही सांस लेने में तकलीफ होना या सांस का फूलना। दूसरा, काम करने में मन ना लगना। तीसरा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग या पसीना आना। चौथा, बॉडी से बुरी स्मेल आना। फिफ्थ, थका थका सा महसूस होना। सिक्स्थ, बहुत ज़्यादा भूख लगना और साथ ही बहुत ज़्यादा नींद का आना। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज गई है। तो अब आपको तुरंत इस पर एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़कर आपके लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। फ्रेंड्स, आगे की वीडियो की सीरीज़ में मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और अगर आज के वीडियो पर आपके अपने कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे आगे आने वाली वीडियोस की सीरीज़ को ज़रूर से देखिएगा और विश्वास मानिएगा कि इससे आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी, जिससे आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एक्टिव और हेल्दी महसूस करने लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बी सेफ एंड बी हेल्दी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।